नमस्कार दर्शक मित्रों, एट थ्रेट गुजरात में आपनु स्वागत छे। मेघराजा एक बाद एक राउंड में जे रीते राज्य में धड़बड़ाटी बोलावी रहा छे, तेनाथी राज्यना लोको त्राहीमाम पुकारी उठ्या छे। प्रथम राउंड में गीर सोमनाथ, बीजा राउंड में द्वारका, पोरबंदर, भावनगर अने त्रीजा राउंड में जूनागढ़ अने नवसारी में मेघराजाए तांडव मचाव्यो हतो, जेना पगले केटलाय तालुकाओं में तो पूरनी स्थिति पण सर्जाई गई हती अने जनजीवन पण अस्तव्यस्त थई गयुं हतुं। त्यारे हवे सौ कोई वरसादनी आगाही पर मीट मांडीने बैठा छे। त्यारे आवामां वरसादने हजू पण भयंकर आगाही सामे आवी छे, जेमां मीडिया रिपोर्ट अनुसार जाणवा मळी रह्युं छे के वरसादने लईने दक्षिण गुजरातना माथे आगामी 24 कलाक भारे होय तेवुं हवामान विभाग द्वारा जणावाई रह्युं छे। आजे 24 कलाक दक्षिण गुजरातमां भारेथी भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे, तो बीजी बाजु सौराष्ट्रना विस्तारोमां क्यांक भारे तो क्यांक सामान्य वरसादनी आगाही छे। ज्यारे अमदावाद, गांधीनगरमां पण छूटाछવાયા वरसादनी आगाही करवामां आवी छे, जेमां आजे वलसाड, नवसारी, दमण अने दादरानगर हवेलीमां अति भारे तेमज साबरकांठा अने अरवली तथा सौराष्ट्रना जूनागढ़, अमरेली अने भावनगरमां मेघा डंबर जोवा मळशे अने आवतीकाले दक्षिण गुजरातना કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ રહેશે। તમને જણાવી દઈએ કે ખબરો અનુસાર આજે ગાજવીજ અને તોફાની પવનો સાથે નવસારી, વલસાડ, દમણ, સુરત, ડાંગ અને તાપી જિલ્લામાં વરસાદની શક્યતાને લઈને આગામી 5 દિવસ માછીમારોને સલામતીના ભાગરૂપે દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપી દેવામાં આવી છે અને સાથે સાથે દરિયાકાંઠા વિસ્તારોમાં 45-60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવું પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવાયું છે। તો અમદાવાદ અને ગાંધીનગર નગરમાં છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। બીજને ખબર સાથે ફરી મળીશું। ધન્યવાદ।